बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बीटी कॉटन, बीटी कपास। तो ये नाम बीटी कैसे मिला और बीटी कॉटन है क्या? ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉटन प्लांट है जिसमें इंसेक्ट्स को रेजिस्ट करने की क्षमता है, इंसेक्ट्स कीट को रेजिस्ट करने की, रेजिस्ट मतलब उसमें प्रतिरोधक क्षमता है। खुद बिना कोई केमिकल स्प्रे किए, कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे किए, प्लांट खुद ही इंसेक्ट से अपना बचाव कर लेता है। तो ये बीटी नाम कैसे आया? बी और टी ये एक सॉइल बैक्टीरियम है, बैसिलस थिरेंजेनेसिस, उसके नाम से बी टी आया है। कैपिटल लेटर जीनस का बी लिया पहले कैपिटल में और स्पीशीज का टी, स्मॉल टी, थिरेंजेनेसिस। ये बैक्टीरियम सॉइल में पाया जाता है और इसमें एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, क्रिस्टल फॉर्म में, डिसॉल्व्ड नहीं, क्रिस्टल फॉर्म में प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर, बाकी सारी चीजें कॉमन आपने पहले पढ़ा है। यहाँ पे एक बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल दिया हुआ है, मतलब इस बैक्टीरिया का क्रिस्टल है जो टॉक्सिक है, टॉक्सिन मतलब पॉइजनस। और ये प्रोटीन बैक्टीरिया तब प्रोड्यूस करता है नॉर्मली उसके स्टेशनरी फेस में, जो एंडोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, तो इसलिए एंडोस्पोर्स भी दिखाया गया है। तो ये टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, मतलब इसकी रिसर्च की गई कि इसको इंसेक्ट्स को खत्म करने की क्षमता है। और ये बैक्टीरिया में क्रिस्टल फॉर्म में होता है, इसका नाम है क्राई प्रोटीन। प्रोटीन का नाम लिखते वक्त सी कैपिटल लिखते हैं, जब जीन का नाम लिखेंगे तो सी स्मॉल लिखेंगे, CRY इटैलिक्स में प्रिंट होता है। तो स्टेशनरी फेज में ये बैक्टीरिया ये प्रोटीन फॉर्म करता है और बैक्टीरिया को इससे हार्म नहीं होता है, बैक्टीरिया में ये इनएक्टिव है, इसलिए उसको प्रोटॉक्सिन बोलते हैं। तो मतलब इनिशियल फॉर्म ऑफ दैट टॉक्सिन, जो एक्टिव नहीं है इसलिए प्रोटॉक्सिन। क्यों एक्टिव नहीं है ये हम समझेंगे। इस प्रोटीन को डिसॉल्व होने, एक्टिव होने के लिए एक अल्कलाइन पीएच चाहिए, जो उसको बैक्टीरिया में तो नहीं मिलता, और उसको ना ही हम आगे चल के जब जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन पढ़ेंगे तो उस प्लांट में भी वो अल्कलाइन कंडीशन नहीं मिलता। उसको वो अल्कलाइन कंडीशन मिलता है कुछ इंसेक्ट्स के लार्वा के डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसको गट बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक को, वहां जाके उसको अल्कलाइन पीएच मिलता है, जहां पर वो डिसॉल्व हो जाता है और पॉइजनस हो जाता है और लार्वे को मारता है। किस टाइप के लार्वे को? ऐसे इंसेक्ट्स जो इस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डाइप्टेरा। इसके अंदर जो जो इंसेक्ट्स आते हैं उनके नाम है, यहाँ पे बीटल्स आते हैं कई तरह के लेपिडोप्टेरा में, टोबैको बडवॉर्म, आर्मी वॉर्म, ये सब नाम आपको याद करना है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं, और कुछ फ्लाइज आते हैं और मस्कीटोज आते हैं, तो ये डाइप्टेरा में। अब इन इंसेक्ट्स में ये प्रोटीन कैसे टॉक्सिक हो जाता है इसको हम पढ़ेंगे। एक्शन ऑफ बीटी क्राई प्रोटीन, एक इंसेक्ट के लार्वा, उसके एडल्ट फॉर्म में वो इंसेक्ट को नहीं मार सकता, उसके प्यूपा में भी कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ लार्वा जब इस प्रोटीन को खाता है या किसी तरह से उसके शरीर में वो प्रोटीन जाता है तो वो लार्वा को खत्म करता है वो प्रोटीन। तो ये टॉक्सिक प्रोटीन है, पॉइजनस प्रोटीन है। तो जैसे ही एक लार्वा उस प्रोटीन को इंजेस्ट करता है, खाता है, किस फॉर्म में खा सकता है वो? या तो जिस प्लांट में वो लार्वा ग्रो कर रहा है उस प्लांट की जीन मॉडिफाई की होगी, जिसको हम बीटी क्रॉप बोलेंगे। तो वो प्लांट खुद उस जीन की वजह से, कौन सी जीन? क्राई जीन की वजह से वो क्राई प्रोटीन बनाएगा। तो अगर प्लांट उस सैप को खाएगा तो प्रोटीन उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में पहुंचेगा। दूसरा तरीका कैसे पहुंच सकता है? एक ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो इन बायोपेस्टिसाइड यूज करते हैं, हम डायरेक्टली फार्मर्स जो है बैसिलस थिरिनजेनेसिस का स्पोर्स पानी में मिला के स्प्रे कर देते हैं प्लांट्स में, कीटनाशक के रूप में, बायोपेस्टिसाइड के रूप में। तो वो स्पोर्स को भी खा सकता है, स्पोर्स को भी अगर लार्वे ने खाया तो भी उसके शरीर में वही असर होगा जो एक पॉइजन का असर होता है, जो प्लांट से जो डायरेक्ट प्रोटीन मिल रहा है उसको वही असर होगा। अब स्पोर्स हो चाहे प्रोटीन हो, कैसे इफेक्ट करता है?
जैसे ही वो इंजेस्ट करता है, जब ये प्रोटीन या बैक्टीरियल स्पोर्स उसके गट में जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक तीन भाग में है, फोर गट सबसे आगे का हिस्सा, मिड गट बीच का हिस्सा और लास्ट वाला हिस्सा हाइंड गट। तो आगे फोर गट में तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सोल्यूबलाइज नहीं हो पाता है, इसलिए वो प्रोटॉक्सिन का काम करता है, मतलब वो एक्टिव नहीं है। देखिए पीएच अल्कलाइन चाहिए, यहाँ नहीं मिल रहा है, ये है क्रिस्टल, तो अभी अल्कलाइन नहीं पीएच मिला उसको, तो इसलिए वो प्रोटॉक्सिन है, इनएक्टिव है। पर जैसे ही मिडगट में पहुंचता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएच अभी उसका नहीं हुआ है, अल्कलाइन डिसॉल्व होने लायक नहीं हुआ है, तो मिडगट में जाता है जब, तो ये अल्कलाइन पीएच मिल जाता है उसको मिडगट में, जिसकी वजह से ये प्रोटीन जो है वो एक्टिव हो जाता है। ये अल्कलाइन पीएच का दिखाया और प्रोटीन जो क्रिस्टल है वो डिसॉल्व हो गया है। डिसॉल्व होने से जो प्रोटीएज एंजाइम सिक्रीट होता है मिडगट के वॉल से, वो उसके बॉन्ड्स को काट देता है, ऐसे वो प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो गया मतलब अब उसको पॉइजनस होने की क्षमता है। अब वो कैसे पॉइजनस है, सिर्फ इस लार्वे में होता है ये, इसके एडल्ट फॉर्म्स में नहीं हो सकता, ये पीएच नहीं मिलता है वहां। क्या करता है वो प्रोटीन, जाके इसके एपिथीलियल सेल्स के वॉल्स में जो रिसेप्टर्स हैं उसमें जाके बाइंड कर जाता है। जब उससे चिपक जाता है तो वो छेद कर देता है वॉल्स को, कैपिथीलियल सेल्स को छेद कर देता है और परमेबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत सारा आयन्स लॉस हो जाता है। एक इस ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ पोटेशियम आयन चाहिए, तो इसमें बहुत सारा पोटेशियम आयन्स का लॉस होता है, एक्सेस फ्लो ऑफ पोटेशियम आयन्स, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है पूरे एपिथीलियम में और सेल का ब्रेकडाउन हो जाता है, बर्स्टिंग ऑफ सेल, लाइसिस हो जाता है। तो सेल लाइसिस, जिसको डिसरप्शन भी बोलते हैं, उसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो मर जाता है। तो ये तरीका है कैसे टॉक्सिक प्रोटीन इंसेक्ट्स को मार देता है, तो एक पेस्टिसाइड का काम कर रहा है, ये रिसर्च में पता लगाया गया। तो जब ये पता लगा तो इसको ये पता लगाने की वजह जो थी वो एक मेजर प्रॉब्लम थी कि क्रॉप्स में बहुत जल्दी बोलवॉर्म इन्फेक्शन होता है। ये कॉटन के बोल हैं, ये बोल बोलते हैं, कॉटन बोल, तो इसमें जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, तो कपास पूरा नष्ट हो जाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए इस क्राइजिन का उपयोग किया गया, कैसे हम आगे देखेंगे। तो बॉल वॉर्म्स, जो भी बोल वॉर्म्स है वो लेपिडोप्टेरन लार्वे को हम बोल वॉर्म्स बोलते हैं, सबसे कॉमन पेस्ट है कॉटन प्लांट का। तो उस इंसेक्ट का इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, कैटरपिलर, जो लार्वे हैं वो कैटरपिलर्स होते हैं, और ये लार्वा क्या करता है, वो घुस जाता है, बोर करता है, मतलब छेद कर सॉफ्ट टिश्यूज में घुस जाता है, स्टेम में हो चाहे फ्लोरल बड्स में हो चाहे कॉटन के बोल में हो, घुस जाता है। तो क्या होता है, जो अंदर कपास बन रहा है वो सही तरीके से नहीं बन पाता है, ये ऐसे होल्स हो जाते हैं, और ये जो बोल है ये खुल जाता है बिफोर मैच्योरिंग, पूरी तरह मैच्योर होने के पहले, पूरी तरह डेवलप होने के पहले ये खुल जाता है, तो जो अंदर जो फाइबर कॉटन है वो पूरी तरह बन नहीं पाता है, जिसको लिंट बोलते हैं, फाइबर को लिंट बोलते हैं, कॉटन फाइबर को, उसकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है कॉटन का, कपास का पैदावार जो है कपास की वो बहुत कम होती है। तो ये प्रोडक्शन कम होने की वजह से, अच्छा पहले क्या करते थे, पहले सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते थे, है ना, जैसे कोई भी कीटनाशक केमिकल्स जो है वो स्प्रे करते थे टू मिनिमाइज द लॉस को कम करने के लिए, जब ऐसे कीट होते थे तो उससे ह्यूमन हेल्थ खराब होता है, एनवायरमेंट पे प्रभाव पड़ता है, तो और वो भी ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद पेस्ट कुछ जनरेशन के बाद इवॉल्व कर जाते हैं, वो उस कीटनाशक केमिकल्स को सहन करने लगते हैं और वो जिंदा ही रहते हैं। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है, नॉन इंसेक्टिसाइडल पेस्ट मैनेजमेंट, बिना केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज किए कैसे ट्रीट करें, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। ट्रांसजेनिक का मतलब आप उस ऑर्गेनिज्म का जीन चेंज कर दो जिस पे नुकसान हो रहा है, तो वो एक अल्टरनेटिव तरीका है, नया तरीका है और इको फ्रेंडली तरीका है पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट का एक सबसे अच्छा तरीका है, जिससे ना ही कोई नुकसान होगा, बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी नुकसान नहीं होगा, एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा।
तो ऐसा जीन जो टॉक्सिक प्रोटीन को कोड करता है बैसिलस थिरेंजेनेसिस में, वो जीन जो टॉक्सिक प्रोटीन को कोड करता है उसका, उस जीन को नाम दिया गया क्राई जीन। क्राई यहाँ पे रोने से कोई मतलब नहीं, क्रिस्टल, क्रिस्टल का शॉर्ट फॉर्म, विच इज द फर्स्ट जीन अवेलेबल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्रॉप प्लांट्स में क्राई जीन को ही सबसे पहले किया गया काम इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए। सो द प्लांट्स व्हेन इंट्रोड्यूस्ड विद दिस जीन, जिसमें ये जीन दिया जाता है, वो खुद अपना इंसेक्टिसाइड बनाता है, उसको कोई केमिकल स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे देखो इन्फेक्शन बोल्स के कॉटन खराब हो रहा है। और ये देखो, ये है अडल्ट इंसेक्ट लेपिडोप्टेरन का, ये एग देती है और एग से लार्वे आते हैं, लार्वे खाने लग जाते हैं प्लांट को, प्लांट के पार्ट्स को, सॉफ्ट पार्ट्स को, और प्यूपे बन के फिर उड़ जाता है। तो ये कोई स्टेज में कंट्रोल नहीं होगा क्राइजीन से, कंट्रोल सिर्फ लार्वल स्टेज में होगा, और वो भी लार्वल के एक फिक्स्ड ग्रोथ पीरियड तक ही है। क्राइजीन, उस क्राइजीन जो प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन को अल्कलाइन कंडीशन इस लार्वे के गट में ही मिलेगा और किसी स्टेज में नहीं मिलेगा। तो कंट्रोल लार्वे को करते हैं, इसको, इसके लिए वो लीथल है, मतलब इसको मार सकता है। नाउ जो बैसिलस थिरेंजेनेसिस का जीन है वो कई प्रकार के हैं, अलग अलग स्ट्रेन्स में से अलग अलग क्राइजीन मिले हैं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्राइजीन मिले हैं। पर हर क्राइजीन हर प्लांट में हर तरह के पेस्ट को कंट्रोल नहीं करेगा, उसमें चॉइस करना पड़ता है कौन सा जीन किस क्रॉप में और किस पेस्ट को, पेस्ट यहाँ मतलब जो हानिकारक ऑर्गेनिज्म है, किस पेस्ट को कंट्रोल करेगा, उसके अनुसार हमको जीन की चॉइस करनी पड़ती है जेनेटिसिस्ट को। सो काफी सारे टॉक्सिन्स हैं, बीटी टॉक्सिन्स बोलते हैं, क्राई टॉक्सिन को बीटी टॉक्सिन भी बोलते हैं, और एक एक ग्रुप के इंसेक्ट को कौन सा टॉक्सिन मारेगा उसके अनुसार जीन दी जाती है। अब जीन इंट्रोड्यूस करने का तरीका दो है प्लांट में, ये हमने पहले भी पढ़ा है। वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर एक है, मतलब तुम टीआई प्लाज्मिड यूज कर सकते हो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, उसका टीआई प्लाज्मिड निकाल के आप क्राइजीन उसमें डाल सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, उसकी एक वीडियो है वो आप देखिए अगर डिटेल में चाहिए तो। वेक्टरलेस मेथड है, जिस जीन गन से बम्बार्ड करते हैं प्लांट टिश्यूज के ऊपर जीन डिलीवर कर सकते हैं, ये भी एक बनाया हुआ वीडियो है। तो बीटी कॉटन इंडिया में 2002 में अडॉप्ट हुआ और बहुत तेजी से इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ये नाम याद करना है, क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी, ये दोनों कॉटन बोलवॉर्म्स को कंट्रोल करता है। क्राई वन ए बी कॉर्न भुट्टा कॉर्न बोरर पेस्ट को कंट्रोल करता है, और भी बहुत जीन है पर ये तीन 12th के लिए काफी है। अब कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, ये है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर एग्रोबैक्टीरियम, इसका टीडीएनए निकाला, सॉरी टीआई प्लाज्मिड निकाला, टीडीएनए एरिया जो इसका इंफेक्शियस रीजन है प्लांट्स में, क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है, वो जीन को हटाया, वो जीन को गैप बनाया, वो जीन की जगह बैसिलस में से प्लाज्मिड निकाल के क्राइजीन डाल दिया, ये आपका रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड बना, इसको एग्रोबैक्टीरियम को दो जिसकी प्लाज्मिड हटा दी गई है उसमें डालो, इसको कल्चर करो, कल्चर करके कॉलोनीज बनेंगी जब सेल डिवीजन से, तो वो कॉलोनीज को उस प्लांट के टिश्यू को इन्फेक्ट करने दो जिसमें आपको जीन डालनी है। तो एग्रोबैक्टीरियम तो खुद ब खुद जीन डाल डिलीवर कर देता है, उसके पास तरीका है डिलीवर करने का, कैसे, जब वो प्लांट को थोड़ा सा इंजर करना पड़ता है, चोट पहुंचानी पड़ती है, तो उसको थोड़ा सा हम मैन्युअली चोट पहुंचा सकते हैं, तो वैसे कटे जगह में से फिनोलिक मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जो सेंस कर एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल के पास कंजुगेट कर लेता है और टीडीएनए को डिलीवर कर देता है। तो सिर्फ टीडीएनए एरिया जाएगा तो अपने आप क्राइजीन भी जाएगा, क्राइजीन गया ऐसे सेल्स को, प्लांट सेल टोटिपोटेंट होते हैं, मतलब पूरी प्लांट तैयार हो सकती है एक सेल से। तो ऐसे कई सारे प्लांट्स माइक्रो प्रोपागेशन, जिसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू माइक्रो प्रोपागेशन टेक्निक से, काफी सारे ऐसे नए जीन वाले प्लांट हो गए, फिर उसको हम फील्ड में शिफ्ट कर देंगे, आपका बीटी कॉटन रेडी, ठीक है। तो इसको ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं, देखिए ऐसे खुलता है बोल। एडवांटेजेस क्या है, आपको बहुत इकोनॉमिक वैल्यू हो गया कॉटन का, क्योंकि आपको पैदावार ज्यादा हो गई कॉटन की, पेस्ट कंट्रोल हो गया करके, एनवायरमेंट के लिए सेफ है क्योंकि कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स की यूज नहीं हो रही है, और ये सिर्फ वही पेस्ट को मारेगा जो तुमको नुकसान कर, मतलब कॉटन को नुकसान कर रहा है प्लांट को, बाकी अच्छे स्पीशीज को नहीं मारेगा, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी हो गया। देखिए कितनी पैदावार है, तो इंडिया अभी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का,
ये सारी चीजें। थैंक यू।